तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसे कि आज अपना न्यू ब्लॉग आएगा अभी, जो कि है बिग फुट क्लासिक इवेंट। तो हम अभी रेडी हो गए हैं, तो बिग फुट की जो जो हम शूट करेंगे पूरा ब्लॉग आप सबको दिखाएंगे। तो हमारा सारा तैयारी वगैरह हो चुकी है, तो अभी खुशबू भी तैयार हो चुकी है। खुशबू ने पहना है सूट, तो अभी इसका सूट दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में, कौन सा सूट पहने। तो आप सबसे मैंने एक बात शेयर करनी थी, जैसे कि यह मेरी चोटी है, मतलब इस साइड रखता हूँ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। या इस साइड अभी भी दिखाता हूँ आपको, इस साइड में ज़्यादा अच्छी लगती है या उस साइड में, तो आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट करना। तो फिर मैं, वैसे तो मेरे को तो दोनों साइड ही अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है, जैसे इधर भी रख लूँ चाहे उधर भी रख लूँ, पर ज़्यादातर मैंने चोटी अपनी ऐसे ही रखी है वैसे। पर लो, खुशबू भी तैयार हो चुकी है, तो खुशबू अपना अभी अपना चुन्नी सेटिंग कर रही है। आ गया तो किसको बुलाया, आ गया। तो खुशबू कैसी लग रही है आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं। देखा सूट कितना अच्छा लग रहा है उसके ऊपर। तो हमारा बैग पैक हो चुका है, तो 11:45 की हमारी ट्रेन है, तो अब हम निकलने जा रहे हैं। मेरा फ्रेंड आया अभी बाइक से, तो वो हमें छोड़ने जाएगा हम दोनों को स्टेशन। तो स्टेशन का आपको शॉट दिखाएंगे गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो हम स्टेशन पे आ चुके हैं, और कितने टाइम हो रहा है अभी, 11:30 बज रहे हैं ना। तो 11:45 की हमारी ट्रेन है, 11:45 की हमारी ट्रेन है, तो ट्रेन में बैठेंगे तो फिर सीधा जाएंगे दिल्ली, फिर बाकी दिल्ली का शूट आपको दिखाएंगे। हाँ, मालगाड़ी पूरी लंबी नीले रंग की। तो हमारा भी ट्रेन आएगा अभी, तो जैसे ट्रेन आएगी तो फिर निकलेंगे दिल्ली को, तो बाकी वहाँ का आपको शूट दिखाएंगे। तो भाइयों देख सकते हो हम स्टेशन में पहुँचने वाले ही हैं, तो मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं, 7 बज चुके हैं। इधर देखो, तो हमें थोड़ा सा जल्दी ही पहुंचना पड़ता है इवेंट में। तो हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, तो जो क्या कहते हैं ट्रेन वाले थे उन्होंने ज़्यादा ही आगे उतार दिया, तो हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। तो अभी टिकट लिया, ये देख सकते हो टिकट, तो हमारी अभी मेट्रो आ रही है, तो मेट्रो में बैठेंगे, तो फिर वहाँ से ऑटो लेंगे, ऑटो के बाद सीधा इवेंट में, तो पहुँचते हैं ऑटो में। तो ये खुशबू निकल गई है, अब निकलते हैं हम, चला जाओ। तो अब सीधा अब ऑटो पकड़ेंगे, आगे जाओ आगे, ऑटो पकड़ेंगे फिर सीधा पहुँचेंगे इवेंट, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन ही 11:45 की होती है। वहाँ पे क्या जा रही हो, वहाँ दिखता नहीं टॉयलेट लिखा हुआ है, इधर से चलो, इधर इधर है निकासी, एग्जिट इधर है इधर, क्योंकि फिर मेरे को थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है मेरे को, तो क्योंकि फिर मेरा ट्रैवल थोड़ा लंबा हो जाता है ना, क्योंकि मैं फिर जलंधर जाता हूँ पंजाब से, तो फिर वहाँ की मेरे को फिर मान लो 9:20 वाली ट्रेन भी पकड़ता हूँ मैं, तो यहाँ पे 6:30 बजे उतार देगी, तो इसलिए 11:45 वाली पर बैठता हूँ, तो यही 7:30 बजे तक यहाँ पे उतार देती है, क्योंकि जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको इतना दिक्कत नहीं होती, वो आराम से 11-12 बजे तक आ जाते हैं ना, तो चल जाता है। तो मेरे को टाइम पे ही पहुंचना पड़ता है, क्योंकि मेरे को फिर दूर से आना पड़ेगा ना फिर, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं इवेंट में थोड़ा जल्दी पहुँच जाता हूँ। तो अभी भी मैं 8:30 बजे तक हाँ पहुँच जाऊँगा, तो अभी हम पहुँचने वाले, तो सामने देखो ऑटो वाले हैं, ऑटो में बैठ के अब सीधा निकलेंगे। ये पता नहीं क्यों रुक गए ये, आ जाओ आगे आगे आ जाओ। तो जैसे आप सब देख सकते हो हम त्यागराज स्टेडियम में पहुंच चुके हैं, तो आ जाओ आगे कैमरा ले जाओ। तो पहले हम होंगे रेडी, रेडी रूडी हो के अच्छे से कपड़े उपड़े पहनेंगे, फिर हम करवाएंगे। अरे जिस स्टेशन आ गया, करो ना, आ गया क्या कुत्ता।
वैसे जो एथलीट वगैरह जितने भी हैं कल से पहुंचे हुए हैं, तो बहुत लोगों ने कल ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, तो मैं आज बैठा था, कल बैठा था, तो आज पहुंचा हूं 13 तारीख को, तो मैं अभी करवाता हूं रजिस्ट्रेशन। चलो तो हेलो गाइस, तो अभी मैं जैसे फिट में आया अभी, तो ये भाई आए थे मेरे पास, तो भाई की कंडीशन चेक करो भैया, कंडीशन दिखा दे करें आप। मैंने देख के बोल दिया था कि इनकी कंडीशन बड़ी ज़बरदस्त है, तो भाई की बोले वाह क्या बात है, थोड़ा मस्कुलर पुल करके दिखा दे करें। वाह क्या एप्स एप्स, कुछ करो गया अभी, बहुत अच्छी कंडीशन लेके आया आप। क्या बात है लेग्स दिखा दो एक बार, लेग्स भी दिखा दो, अभी देखते हैं लेग्स इनके बड़े। हाँ हाँ क्या बात है, तो भाई ने बहुत ही अच्छी तैयारी करके आए हैं, बहुत ही अच्छी मेहनत की। दिखाओ लेग्स पापा, देखो ना, मैं फोटो ले लूँ। अभी प्रॉपर लेग दिखाएंगे प्रॉपर। हाँ और बनी ना बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी कंडीशन है भाई। थैंक यू सर। नाम क्या आपका? सर प्रदीप वर्मा। वाह वाह क्या, कहाँ से आए? सर राजस्थान जयपुर से। इतना काफ़ी लंबा ट्रैवल हो गया था आपका। यस सर, मैं वैसे पंजाब से आया हूँ, पर आपका तो कुछ ज़्यादा ट्रैवल लंबा हो गया। जी, मैं सर रात को चला था वहाँ से, करीब 9:30 या 10 o'clock किया। अच्छा अच्छा, तो ट्रेन में आए या फ्लाइट में? नहीं सर, बाई बस। अच्छा बस से आए? यस सर। यार आप लोग इतनी देर बस में बैठ के, यही तो एक बॉडी बिल्डिंग का वो है, क्या कहते हैं, जज्बा। जी सर। हाँ जो करना है तो कर लेंगे। आपका नाम क्या, नाम बता दो आप। माय नेम इज प्रदीप वर्मा। इंस्टाग्राम आईडी बता दो। हाँ सर, जो फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं। माय इंस्टाग्राम आईडी प्रदीप वर्मा 1996। थैंक यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई को सपोर्ट करो, तो भाई की मेहनत के बारे में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी नज़र आ रही है, तो भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। तो हेलो गाइस, जैसे कि आपने अभी भैया का नाम क्या था कि जो आप वीडियो में आए थे अभी? प्रदीप वर्मा। हाँ, तो प्रदीप वर्मा जो भाई जी थे अभी, आप उन्होंने उनकी कंडीशन आपने देखी, तो उनकी कंडीशन में सबसे ज़्यादा इनका रोल होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है ना, तो स्टूडेंट से ज़्यादा मेरे को लगता है कोच का ज़्यादा बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो आपने इनके साथ मतलब, भैया रुक जाओ, तो मतलब किस किस मतलब बॉडी पार्ट पे ज़्यादा वर्क किया? जब हम लोगों ने लेग्स पे इनके ज़्यादा काम किया, और लास्ट ईयर से मसल मैच्योरिटी पे हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, लास्ट ईयर से हमने 3-5 kg मसल। नहीं, आपने मतलब बहुत अच्छी मेहनत करवाई है, तो पता चल रहा है इनका। तो आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आशीष व्यास है। कहाँ से? मैं अजमेर राजस्थान से। अच्छा, आप जो वहीं से? हाँ, मैं भी कभी एक दिन गया था जी। जी, बहुत अच्छी जगह है वो भी, तो थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो आप ऐसे ही बच्चों को तैयारी करवाते रहे, क्योंकि जब तक आप ऐसे बच्चों को तैयारी करवाओगे, तो बच्चे और आगे बढ़ेंगे। कोशिश है जी, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। बंद कर दो।
मेरा ट्रंक नंबर आ चुका है 306 नंबर मेरा ट्रंक नंबर। और मनप्रीत भाई, मनप्रीत भाई थोड़ा सा इधर देखो, थोड़ा घूम के, और कैसे हो? और ट्रंक नंबर कौन सा है आपका? 145। तो ये भाई है मनप्रीत भाई, आज मैं और मनप्रीत भाई एक साथ ही स्टेज पे नज़र आएंगे। तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं इतने सीनियर प्लेयर के साथ स्टेज पे परफॉर्म करूँगा। तो थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बिल्कुल फिल्म फिल्म में कंप्लीट करने आया था, तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। तो भाई ने मेरे को अपने बारे में कुछ बताया कि मैं नेशनल प्लेयर हूँ, इन्होंने अपनी प्रोफाइल दिखाई, तो मैं इनकी प्रोफाइल देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो इन्होंने मेरे को सामने से खुद बोला, पता नहीं क्या सोच के बोला, अब मेरे को नहीं पता क्या इन्होंने मतलब मेरे को कहा कि मेरे को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो भाई अपने बारे में आपको खुद बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या गेम किया है और ये कौन सी गेम करते हैं, तो ये सारा अपने बारे में खुद बताएंगे। तो थोड़ा सा जो हमारे मतलब देखने वाले जाने वाले, तो अपने बारे में उनको सब बताओ। नमस्कार जी, मेरा नाम जयवीर कुमार है, फ्रॉम हरियाणा। भाई चलो माइक से ले लो। हरियाणा से हूँ मैं, और मैं पैरा स्पोर्ट्स का खिलाड़ी हूँ, एथलेटिक्स का। पहले मैं जेवलिन किया करता था, शोल्डर में थोड़ी दिक्कत होने के कारण जेवलिन छूट गया। 5 बार स्टेट में मेडल है मेरा, 2 बार 3 बार नेशनल में पार्टिसिपेट हुए, और मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जंपिंग में रिकॉर्ड होल्डर हूँ। कितनी बड़ी बात है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जंपिंग में इनका उनका रिकॉर्ड है इनका, तो बहुत ही बड़ी। जब इन्होंने मेरे को बताया, अभी मैं 75 हार्ड डे चैलेंज भी कर रहा हूँ फिलहाल, 75 हार्ड चैलेंज वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो वो भाई भी कर रहे हैं। तो भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। तो भाई के थोड़ा ना पैर में कोई दिक्कत है, तो आपको ये पूरा पास कर देते। तो भाई ने पूरे मतलब ये देखो पूरा जितना भी है ना, भाई का पूरा आर्टिफिशियल पैर है। तो भाई फिर भी एक पैर पे जंपिंग करते हैं। तो मैं आपके ये अपना जो मेरा YouTube चैनल है, YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में ना मैं इनकी Instagram की ID डाल दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई के चैनल को, Instagram ID को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि जब तक आप सब भी सपोर्ट करोगे तब तक इंसान को आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप सबके प्यार की इनको नीड है। तो आपको मतलब क्या लगा कि आप मेरे पास आए, क्या सोच के आए कि आपको लगा था कि मैं से आपको, क्योंकि कई बार ऐसे भी आता ना कि बंदा जज कर लेता है कि यार बंदे का जो भी है आपने कुछ नहीं कहना चाहता है। सर को सबसे पहले देखा था सेरो क्लासिक में, मैं पहली बार दिल्ली में सेरो क्लासिक खेलने गया था, जब मैंने सर को देखा वहाँ पे, तो सर वहाँ पे मेरे को बहुत बेस्ट लगी सबसे, क्योंकि हमारे पैरा में अलग अलग कैटेगरियाँ होती हैं, तो सर की कैटेगरी में सर हर बार गोल्ड मेडल देते हैं। मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो मैं भी इसमें करके देखूँगा। मैंने सेरो क्लासेस में ट्राई किया, अभी मैं भी फिट में आ रहा हूँ, तो सर मेरे को फिर मिले, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि मेरे को हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को नीचे से बहुत ऊँचे उठा सकती है, इसलिए मैंने सर की रिक्वेस्ट करी सर से कि मेरे को आप हेल्प करिए। तो मैंने आपसे ये बात इसलिए पूछी ना, क्योंकि कई बंदे ना जज कर लेते हैं कि हाँ इंस्टाग्राम पे ऐसी फॉलोवर है ये वो है, तो काफ़ी लोग जज कर लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार ऐसा बंदा होगा नहीं, मतलब इमेजिन बना लेते हैं कि ये बंदा ऐसे होगा। तो आपने चलो सामने से मेरे को कहा तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा। तो भाई की मैं इंस्टाग्राम ID डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि बोलते उनको बोलना नहीं आता, बाकी इंस्टाग्राम पर तो मैं इनकी स्टोरी वगैरह तो मैं लगाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी तरफ से भाई को फुल सपोर्ट है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप सब भी सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे अकेले सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप सब सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आप सबका कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि सही चीज़ों को प्रमोट करें, जो कि लोग गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, उनको फेमस कर रहे हैं जबकि उनके अंदर कुछ है ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये सही चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, जो ये भाई है, भाई की मेहनत कैमरे तरफ हो, जैसे भाई की मेहनत है ना, तो हमें ऐसे लोगों को आगे तक लेके जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने भाई को बोला, कोई नहीं, मैं कहा भाई अपना चैनल है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल पे पूरा आपको कवर अप करूँ। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा भाई, बहुत मतलब आपने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। बाकी आपकी ID वगैरह जो भी है, तो आप कुछ कहना चाहोगे, कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं अभी बता रहा हूँ, मैं पैरा स्पोर्ट्स में अभी मैंने आर्टिफिशियल लेग लगवाया जो रनिंग वाला है,
आप मेरी आईडी भी देख सकते हो, रनिंग करते हुए मेरे को देखेंगे आगे। मैं आईडी डाल दूंगा आंटी। पैरालंपिक में मैं आगे तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ, पैरालंपिक की रनिंग में, जैसे 400 मीटर हो गया, 200 हो गया, 100 मीटर हो गया, इन सब की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो आप सब की हेल्प की जरूरत है मुझे। तो भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तो थैंक यू सो मच। तो आप सब ने जैसे कि मेरा चश्मा दिखाया होगा, अभी पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाया अभी पता नहीं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ चश्मा। चलो वो भैया बीच में आ गए हैं, तो उनका भी बीच में ऐड कर। तो हेलो गाइस, मैं अपने ट्रेन में बैठ चुका हूँ। बिग फिट क्लासिक का बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन रहा, बस एक दिक्कत होगी, जैसे मैंने 1.5 मिनट की वीडियो डाली थी ना अभी, तो वहाँ पे मेरे को सर पे चोट लगी, बस यही दिक्कत हुई, बाकी तो चलो यार कुछ ठीक ही था। और प्रमो टाइम से भी मैं वैसे बाहर हो गया, पर मेरे लिए हार जीत मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरे को भी पता था कि कहीं ना कहीं मेरी कंडीशन चलाई कि नहीं थी ना, तो हार भी गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंसान हारता है, हारने के बाद ही बनकर जीतता है, तो हमें भी हारते कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ये नहीं कि हार गए तो बात करो है ना, तो हारोगे ना तो जीतोगे कैसे, हार जीत तो अब इतने लड़के आए थे सभी थोड़ा जीत जाते हैं, मैं तो हार जीत तो लगे ही रहते हैं। तो अभी मैं आज तो मैं और खुशबू इतना ज़्यादा पैर दर्द कर रहा था, क्योंकि मेरे भी पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो बैग भी ऊपर से इतना हैवी हो गया था, तो चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, फिर भी कैसे कैसे करके मेट्रो रेल स्टेशन तक तो फिर अभी आधा घंटे तक वेट किया ट्रेन का, फिर ट्रेन आएगी आएगी आएगी, तभी मैं ट्रेन में बैठा हूँ। तो अभी हम ट्रेन में बैठे हैं, तो फिर भी वहाँ पर सो रही है, तो मैं इधर सो रहा हूँ, तो मैं सुबह 7:30 बजे तक मैं पहुँचाऊँगा, उसके बाद फिर आपके घर अपना हो जाएंगे। तो बाकी मैं आपका थोड़ा बहुत घर का भी फिर मतलब शूट करता है, तो ऑर्डर कर लेंगे, तो मेरा तो वो कहीं खत्म हो जाएगा, तो देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो पे तो चलो आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो लॉन्ग पे भी मैं चाहता हूँ कि आप काफ़ी प्यार दो, तो अभी मैं बहुत थकते हूँ, तो मैं खाना खा के अपना जा रहा हूँ सामने, फिर मिलते हैं 7:30 बजे। हेलो गाइस, जैसे कि मॉर्निंग हो गई है, तो हमारा स्टेशन आ चुका है, तो कुछ मुँह पे खड़ी है, तो अब उतरेंगे, वो देखो उसका भी मुँह हाथ खराब हुआ बड़ा पूरा, हम घर पे जाके रेडी रेडी होंगे। तो और बाबा जी कैसे हो? और बाबा जी आपसे कम से कम 5-10 मिनट मैंने बात की, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपकी जो आपने कुछ बातें बोली उसमें मैं ध्यान रखूँगा, और सब ठीक है ना बाबा जी? बहुत अच्छा लगा बाबा आपसे सच में मिल के बात करके, बहुत खुशी हुई मेरे को, धन्यवाद बाबा जी। तो हेलो गाइस, अभी जस्ट मैं 10 मिनट पहले घर पे पहुंचा हूँ, 8:30 बजे तक मैं घर पे पहुंचा था मैं, तो फाइनली मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सपोर्ट करें, और चलो लाइक कमेंट शेयर तो चलो आप कर ही रहे हो, आपका प्यार ही बहुत मिल रहा है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर।